मयूरेश जोशी हमारे साथ बने हुए हैं, उनको शो में शामिल करते हैं विलियम ओनील। जी गुड इवनिंग। पहले तो एक आउटलुक अपना दीजिए, कल एक्सपायरी कहाँ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमने देखा है कि अप्रैल की रिकवरी के बाद मार्च काफी वोलेटाइल रहा है मार्केट के लिए, तो एक्सपायरी कल कहाँ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और अगली सीरीज के लिए आउटलुक क्या है? इवनिंग दीपाली जी, क्लियरली आई थिंक जो एक मार्केट्स में एज एक जोरदार शॉर्ट कवरिंग रैली देखी गई और जो यूएस मार्केट्स और यूरोपियन मार्केट्स एक तेजी के मोड में है, आई थिंक रिकवरी ऑप्शंस जो लॉकडाउन से आई थिंक सारे देश बाहर आ रहे हैं, और दूसरा आई थिंक जो एक प्रभाव आ सकता है अगर वैक्सीन ढूंढ ली जाए तो मुझे लगता है दोनों चीज़ों की वजह से जो जबरदस्त रैली ग्लोबल मार्केट्स में चल रही है आई थिंक दैट इज वेरी वेरी एविडेंट, और एक रब ऑफ इफेक्ट इंडियन मार्केट्स में भी आ रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आई थिंक शायद एक मोमेंटम मार्केट्स में चला रहे, 9300 9400 के बीच में ही एक्सपायरी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मयूरेश जी ने आउटलुक दिया है कि एक्सपायरी कहाँ होने की पॉसिबिलिटी है और एक रेंज भी आपको बताई है। लेकिन चलिए सवालों करते हैं शामिल, ढेर सारे सवाल हमें हर रोज बनते हैं। पहला सवाल हमें SMS के जरिए भेजा है पवन कुमार ने अजमेर से। सवाल है कि टोरेंट फार्मा पर काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस स्टॉक में हमने देखा भी है, 150 स्टॉक्स इनके पास है, 2615 की बाइंग है। टोरेंट फार्मा पर मयूरेश जी होल्ड करना चाहिए? अगर हाँ तो क्या टारगेट आपके हिसाब से हो सकते हैं? ये बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि ये जो जबरदस्त परफॉर्मेंस टोरेंट फार्मा इंडियन बिजनेस में दिखाती है, जो इनका इंडियन बिजनेस इंक्लूडिंग क्रैम्स का जो बिजनेस है वो लगभग 48-49% है ओवरऑल टॉप लाइन के। दूसरा अगर हम एक्सपोर्ट फॉर्मुलेशंस की बात करें तो ब्राजील और जर्मनी, यहाँ से आई थिंक एक अच्छी खासी आई थिंक टॉप लाइन में आई थिंक एक इजाफा वसूली होती है। और दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ देयर ANDA अप्रूवल्स इटसेल्फ आई थिंक काफी हद तक ANDAs अप्रूव हो सकते हैं, जो इनके दो FDA अफेक्टेड प्लांट्स ही US मार्केट्स में, अगर इसमें कुछ क्लियरेंसेज मिलते हैं तो आई थिंक ज्यादा तेजी से आई थिंक ANDA अप्रूवल्स के लिए एक रिकवरी प्रोसेस मिल सकती है। कहीं ना कहीं आई थिंक जो स्टॉक का मोमेंटम है, जो एक्सपेक्टेशन है 25-26% की बिट्टा मार्जिन, 70-72% पे ग्रॉस मार्जिन, 7% पे R&D, और जो नेट डेट है आई थिंक वो भी स्लोली एंड स्टडीली कम हो जाएगी। मुझे लगता है आई थिंक ये स्टॉक होल्ड किया जा सकता है, सिर्फ एक लेवल्स टेक्निकली आई थिंक 2256 जो इसका 50 DMA है, ये इन्वेस्टर को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो होने के सलाह है लेवल्स आपको बताए गए हैं, उन पर आप गौर कर सकते हैं। मीनाक्षी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है दिल्ली से। मीनाक्षी जी गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार जी, मेरे पास 10,000 पराज इंडस्ट्रीज के शेयर हैं, तो थोड़े दिन से मेरे पास ये 2-3 हफ्ते से हैं, एंड ये 62 रुपए की खरीद थी और अब नीचे ही आता जा रहा है, कल रिजल्ट भी आए हैं, वर नॉट वेरी हैप्पी विद इट, तो होल्ड करें या निकल। लेकिन आपने जब ये पोजीशन ली थी तो आपने इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ही बनाई होगी ना ये पोजीशन आपने? जी, पर अभी आजकल जो सर्कमस्टेंसेस है मार्केट के कुछ समझ नहीं आता कि कहाँ पे किधर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हाँ, प्रॉफिट हो तो निकलना ही चाहिए, यही स्ट्रेटजी मार्केट में सही है फिलहाल तो। लेकिन प्राइस पर आपका आउटलुक ले लेते हैं मयूरेश जी से। मयूरेश जी बताइए, 62 है, क्वांटिटी भी ठीक ठाक है, 10,000 शेयर्स है इनके पास, और जैसे कि इन्होंने बताया इन्होंने बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, बट हाँ मुनाफा हो तो ये एग्जिट करे, इस पर्सपेक्टिव से ये एंट्री ली है, बताइए क्या सजेशन होगा? क्लियरली आपका अगर पर्सपेक्टिव शॉर्ट टर्म का या छोटे अवधि का हो तो स्टॉप लॉस लगाना ट्रेड्स के लिए बहुत जरूरी होता है। अभी प्राज के जैसे नतीजे हैं, द इन्वेस्टर इज एब्सोल्युटली राइट, आई थिंक एनकरेजिंग बिल्कुल नहीं थे। कहीं ना कहीं जैसे आई थिंक प्लांट्स वापस आई थिंक एक रिकू हो रहे हैं, कहीं ना कहीं देर विल बी सम सस्टेन रिकवरी इन अर्निंग्स, बट थोड़ा समय देना पड़ेगा। ये पूरी जो इथेनॉल की स्टोरी है और जो प्राज आई थिंक इसमें एक लीडरशिप पोजीशन जैसे मेंटेन करता है, दैट विल इवॉल्व गोइंग फॉरवर्ड, बट कहीं ना कहीं आई थिंक दिक्कत ही होंगी अर्निंग्स को लेके। तो यस, आई थिंक अगर लेवल्स की बात करूं तो आई थिंक 58-40 एक बहुत क्रिटिकल लेवल होने वाला है 50 DMA के हिसाब से, अगर कोई एक सस्टेन मूव कर दी हो स्टॉक को। सो अगेन आई थिंक इट्स अ पर्सपेक्टिव, क्योंकि शॉर्ट टर्म का नजरिया है, आई डोंट थिंक द लेवल्स विल कम प्रिटी सून, इसलिए आई थिंक जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स हैं जैसे एग्रोकेमिकल्स की हम बात कर रहे थे या इवन स्पेशलिटी केमिकल्स, मंडल, दीपक नाइट्रेट, आई थिंक ये स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स और स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स के साथ आपको रहे तो आई थिंक मुनाफा अच्छा खासा हो सकता है। ठीक है, तो अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो शॉर्ट टर्म में तो बहुत गेन्स एक्सपेक्टेड नहीं है, तो व्यू लॉन्ग टर्म रखिए, अदरवाइज एग्जिट करके आप केमिकल स्पेस में एक्सपोजर ले सकते हैं, कुछ नाम का जिक्र भी किया मयूरेश जी ने। अगले कॉलर हमसे बातचीत करने के लिए इस वक्त जो मौजूद है वो है आशीष बंसल, आगरा से है ये इनफैक्ट हमारे साथ। आशीष जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम, मेरा सवाल था मैम, ये नौसिल जी मेरे पास 5,000 शेयर है,
87.55 रुपए पे, तो मैडम इसका क्या आगे का बोल रहेगा? नो सेल आपने बताया? जी जी। मयूरेश जी, आप अभी केमिकल स्टॉक्स की बात कर रहे थे, नो सेल में इनकी पोजीशन है, लेकिन बाइंग 87 रुपए के नजदीक की है, क्या करना चाहिए? देखिए, स्टॉक में फंडामेंटली आई थिंक कोई इश्यूज है नहीं वैसे, क्योंकि अगर आप इनका बिजनेस मॉडल देखें तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी साउंड मॉडल। हाउएवर आई थिंक जो दिक्कतों से आई थिंक काफी सेक्टर्स और ये स्पेसिफिकली जो सेक्टर्स को केटर करती है जा रही है, ये अर्निंग्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है। बैलेंस शीट काफी स्ट्रॉन्ग है, डिविडेंड यील्ड काफी तगड़ा है, बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग जैसे मैं देख रहा था आई थिंक स्टॉक में ठीक ठाक है। हाउएवर आई थिंक अर्निंग्स के कारण आई थिंक ये स्टॉक थोड़ी मार जरूर झेल रहा है, तो कहीं ना कहीं आई थिंक थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर लंबे अवधि के इन्वेस्टर है तो बिल्कुल थोड़ा पेशेंस रखें, शायद सेकंड हाफ में ये स्टॉक अर्निंग्स के हिसाब से रिकवरी देना चालू कर दे। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए इस पोजीशन में अपनी। सूरज जी हमारे साथ फोन लाइन पर मुंबई से। सूरज जी गुड इवनिंग, बताइए सवाल अपना। हाँ जी गुड इवनिंग मैडम, मेरा सवाल एक्चुअली डिविज लैब पे था। आई हैव अराउंड 35 शेयर थे मेरे डिविज लैब के, और मेरी एवरेज बाइंग प्राइस है 2357, समेयर अराउंड 2357। सो मैं ट्रेडिंग के हिसाब से मैंने एक्चुअली ये लिया था, बट अभी काफी नीचे आ चुका है वो। मेरे जी डिविज लैब 2350 की बाइंग है, 35 स्टॉक्स हैं, पर्सपेक्टिव ट्रेडिंग का था, नुकसान हो रहा है इनको भी, अभी क्या सजेशन होगा डिविज लैब पर? अगेन आई थिंक अगर आपका शॉर्ट टर्म नजरिया है तो प्लीज 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 स्टॉप लॉस रखें, बिकॉज दैट इज एक्सट्रीमली क्रिटिकल एंड एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू फॉलो। दूसरा आई थिंक डिवीज लैब और जो सेक्टर में जो फार्मा क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो जो एपीआईस को लेके हैं और जो इनका केपेक्स हो रहा था पहले, आई थिंक जैसे यूटिलाइजेशन लेवल्स होंगे और जैसे आई थिंक मिल रहे हैं इनको वॉलंटरी एक्शन इनिशिएटेड फॉर कपल ऑफ देयर यूनिट्स, कहीं ना कहीं आई थिंक ट्रैक्शन वापस आना चाहिए। तो आई थिंक जो फॉर्मुलेशन बिजनेस है, जो एपीआई बिजनेस है, ये धंधे में आई थिंक इनके जो मार्जिन प्रोफाइल है ये ठीक ठाक है, क्योंकि इनका शॉर्ट टर्म का नजरिया है। मैं एक ही सलाह दे सकता हूँ, आई थिंक 2180 ये इसका जो 50 DMA है ये आई थिंक ऑब्जर्व करें आप, क्योंकि अगर 50 DMA टूटा तो कहीं ना कहीं आई थिंक स्टॉक में और सेलिंग गिरा सकती है। ठीक है, सजेशन आपको दिया गया है, उसी के साथ स्ट्रेटेजी आप बनाइए। अगले कॉलर हमसे बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर राजवीर शर्मा है गुड़गांव से। राजवीर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, मेरे पास गति के शेयर हैं, गति के 1000 शेयर और 110 रुपए की परचेजिंग है। 110 रुपए की गति में तो नुकसान तो बहुत हो रहा है आपको, काफी ऊपर की खरीद है आपकी, पुरानी होल्डिंग होगी, कितना समय दिया आपने इस स्टॉक को? इसको तकरीबन 3 साल के करीब हो गए हैं। बिल्कुल मयूर जी, लॉजिस्टिक्स स्टॉक्स ने इनफैक्ट काफी निराश किया है इन्वेस्टर्स को। अब आप इन्हीं को देखिए, गति इन्होंने खरीदा 110 के भाव पर और नुकसान काफी झेल रहे हैं, ये 3 साल रख भी चुके हैं, अब क्या व्यू होगा? नहीं देखिए क्या है दिवाली जी, जो माइक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है आज की तारीख में, और जो आई थिंक सप्लाई कंस्ट्रेंट लॉजिस्टिक इश्यूज जो सरकारी कंपनियां कंप्लेन कर रही थी फेस कर रही हैं, और वीक माइक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के कारण जो अर्निंग्स रिकवरी आनी चाहिए थी सारे लॉजिस्टिक प्लेयर्स में, ये डिले और डिफर हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक पेंट अप डिमांड की हम बात करते हैं, जो लॉस ऑफ रेवेन्यूज होते हैं, ये तो आई थिंक स्वाभाविक है, आई थिंक ये बैलेंस शीट पे रहे एंड रिकवरी विल बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट सेकेंड हाफ में जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं आई थिंक देर विल बी रिकवरी, बट आई थिंक जो प्राइस डैमेज है आई थिंक वो काफी सब्सटेंशियल है, और अर्निंग्स रिकवरी आई थिंक ये प्राइस डैमेज को शायद कॉम्पेंसेट ना कर पाए। तो आई थिंक 44-54 ये लेवल्स आई थिंक इंपॉर्टेंट है, 50 और 200 DMA है रिस्पेक्टिवली, अगर ये ब्रीच कर पाता है अगले कुछ हफ्तों या महीनों में तो एक अप मूव टू इट्स बाइंग या कॉस्ट प्राइस तक मुमकिन है, नहीं तो मुझे लगता है आई थिंक कॉस्ट प्राइस तक आना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा ये सारे स्टॉक्स के लिए, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स अपार्ट फ्रॉम द कंसर्न्स अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लेवरेज, प्रमोटर प्लेज, ये सारी चीजें भी देखनी बहुत जरूरी होती है। तो कहीं ना कहीं ये लेवल्स ध्यान में रखें, अगर ये ब्रीच नहीं होते अगले कुछ हफ्तों में तो यू आर बेटर ऑफ लुकिंग एट समथिंग एल्स विद इन स्पेशलिटी केमिकल्स या फार्मा। ठीक है, तो लेवल्स आपको बताए गए हैं उन पर ध्यान दीजिए, अगर वो ब्रीच नहीं होते हैं तो होल्ड कर सकते हैं, अदरवाइज एग्जिट करके किसी और स्टॉक में एंट्री लीजिए, स्पेशलिटी केमिकल या फिर फार्मा स्पेस में, जहां आपके इस नुकसान की भरपाई हो सके। ललित गर्ग हमारे साथ फोन लाइन पर, ललित जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल होगा आपका? चले इनके फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है, लेकिन टाटा मोटर्स पर इनका सवाल है, दिल्ली से इन्होंने सवाल भेजा है, इनके पास 10,000 शेयर्स माफ कीजिए टाटा मोटर्स के, और जो परचेजिंग प्राइस है वो 90 रुपए का है, बताइए मयूरेश जी, हालांकि 50-60 रुपए तक भी ये स्टॉक फिसला था लेकिन 90 पर इन्होंने खरीदा है, व्यू अगर लॉन्ग टर्म हो तो क्या सजेशन होगा?
लेना चाहिए, क्योंकि आई थिंक जितनी प्राइस डैमेज हुई है, जितनी एक्सपेक्टेशंस की अर्निंग्स जितने डिटियोरेट हो सकते हैं, जेएलआर का जो आई थिंक इनका बेसिक कैश काओ का बिजनेस है, वहां पे आई थिंक बिकॉज ऑफ लॉकडाउन ढीले पड़ रहे हैं, डीजल एमिशन नॉर्म्स में जो आई थिंक चेंजेस हो रहे हैं और इन्वेस्टमेंट्स हो रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल मोबिलिटी के लिए, ये सारी चीजें आई थिंक बैलेंस शीट और कैश फ्लोज को थोड़ा आई थिंक दिक्कत में रखती है, एंड दे हैव आल्सो टेकन द इंपेडमेंट हिट. डोमेस्टिक बिजनेस इज आल्सो स्लोली एंड स्टेडीली रिकवरिंग, इसलिए आई थिंक ऑन ऑल फैक्टर्स आई थिंक द स्टॉक प्रॉब्ली हैज गॉट बीटन डाउन, और ये शायद प्राइस ने जेस्टेट कर लिया है. चाइना अगेन हैज रीओपन्ड, फैक्ट्रीज हैव स्टार्टेड रीओपनिंग यूरोपियन मार्केट्स में, और डिलीवरी शायद देना स्टार्ट हो जाएगा अक्रॉस मार्केट सेगमेंट्स इंक्लूडिंग चाइना विद देयर जीवी और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स में. तो कहीं ना कहीं उम्मीद जरूर है कि आई थिंक अर्निंग्स रिकवरी शायद आ जाए. हिट तो आनी लाजमी है ये वित्त वर्ष के लिए बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन दैट वी फेस, इसलिए आई थिंक 78 रुपीज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है टाटा मोटर्स के लिए, जो उसका 50 डीएम है, ये ध्यान में रखें. फंडामेंटली आई थिंक स्टॉक हैज टेकन मोस्ट ऑफ द हिट, यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट मुझे दिखती नहीं, इसलिए लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हो तो बिल्कुल होल्ड करके रख सकते, लॉन्ग टर्म व्यू के साथ होल्ड कीजिए. शुभ्रा देसाई ने एक सवाल भेजा है मुंबई से एसएमएस के जरिए, यूपीएल पर उनका सवाल है, उनके पास 100 शेयर्स हैं मयूरेश जी, 340 की बाइंग है, फिर लेवल पर इन्होंने एंट्री ली है 340 के, 385-386 को ये स्टॉक आज बंद भी हुआ है, और जिस लोकस्ट बात कर रहे हैं उसका एक बड़ा बेनिफिशियरी यूपीएल हो सकता है. क्या सजेशन होगा इनको अगर इनका व्यू शॉर्ट टर्म हो तो, और अगर लॉन्ग टर्म हो तो क्या आप टारगेट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं? शॉर्ट टर्म हो तो आई थिंक जैसे आपका रिस्क रिवॉर्ड है आपको शायद मुनाफा वसूली कर देनी चाहिए, क्योंकि उस स्टॉक ने अच्छा खासा मूव दिया है. अगर मध्यम अवधि या लंबे अवधि का व्यू हो तो आई थिंक नंबर्स काफी एनकरेजिंग थे, क्योंकि जैसे इन्होंने कॉस्ट ऑफ सिनर्जीज की बात की थी कि हर वर्ष कुछ ना कुछ अमाउंट सेव करेंगे, अराउंड $500 मिलियन वाज एनवेसाइज्ड दो वर्षों के लिए, आई थिंक दे हैव एक्सीडेड देयर एस्टिमेशन ये वित्त वर्ष के लिए. दूसरा आई थिंक जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक अनफॉर्चुनेट जरूर है लोकस्ट अटैक की वजह से, बट दिस इज ऑल्सो वन की बेनिफिशियरी, और जो इनकी ओवरसीज एक्विजिशन है आर्सचा के हिसाब से, लैटिन अमेरिकन मार्केट्स हो या ईस्टर्न यूरोपियन मार्केट्स हो, वहां पे आई थिंक इनकी जो पकड़ है आई थिंक वो जोरदार बनी रहेगी. तो मुझे लगता है आई थिंक अर्निंग्स में आई थिंक एक ठीक ठाक स्टेबिलिटी आनी चाहिए, तो स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करके रख सकते हैं आपका मध्यम अवधि का नजरिया. ठीक है, होल्ड कीजिए, यूपीएल बने रही है. एक ट्विटर पर सवाल भेजा है हेमंत ने, इनफैक्ट दो बार अपना क्वेश्चन सेंड कर चुके हैं, ले लेते हैं फटाफट से. बलरामपुर चीनी पर इनका सवाल है, 122 के प्राइस पर इन्होंने खरीदा हुआ है, और एक गोदरेज प्रॉपर्टी 702 की बाइंग है. बताइए मयूरेश जी, इनके बाइंग प्राइस को देखते हुए क्या सजेशन होगा? बलरामपुर चीनी 122, गोदरेज प्रॉपर्टी 702. अगेन सिक्लिकलिटी इंडस्ट्रीज होती है दीपाली जी, शुगरवाड़ी, और कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक्सपेक्टेशंस है डिमांड सप्लाई के डायनामिक्स के हिसाब से, जो इसमें के नंबर्स आ रहे हैं, प्रोडक्शन डेफिनेटली कम होने वाले ये वर्ष के लिए. अगर हम कैरी ओवर इन्वेंट्री जो 8-10 मिलियन टन पिछले वर्ष की थी उसको जोड़ दें अलॉन्ग विद एक्सपेक्टेशन ऑफ 24-25 मेट्रिक टन प्रोडक्शन, और जो डिमांड है 25-26 की, तो कैरी ओवर इन्वेंट्री अगले वर्ष के लिए आई थिंक कम होगी. कहीं ना कहीं आई थिंक बलरामपुर चीनी की जो लेवरेज है काफी आई थिंक रीजनेबल है, जो आई थिंक वेस्ट हीट रिकवरी प्लांट्स है, जो इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन है, और जो आई थिंक ये एथेनॉल या मोलासेस में घुस रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो हम वैल्यू एडेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशन, बोथ इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ शुगर दे आर होल्डिंग एंड इन टर्म्स ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग, कहीं ना कहीं आई थिंक एक बेनिफिशियल पोजिशन में रह सकते हैं, तो बलरामपुर पे एक डेफिनेट होल्ड हो जाएगा. दूसरा स्टॉक, सॉरी मैंने मिस कर दिया, दीपाली गोदरेज प्रॉपर्टीज. ग्रेट, तो गोदरेज प्रॉपर्टीज भी आई थिंक अगर आप रियल एस्टेट प्लेयर्स की बात करें तो यस, इश्यूज शायद उभर के आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लेवरेज, इन टर्म्स ऑफ सेल्स वेलोसिटी, बट इनका लेवरेज बहुत कम है कंपेयर टू द अदर प्लेयर जो ये मार्केट्स पे ऑपरेट करते हैं, वेस्ट और कुछ हद तक आई थिंक साउथ और नॉर्थ इंडिया, आई थिंक दोज मार्केट्स आर वेरी वेल प्रोवाइडेड फॉर बाय गोदरेज प्रॉपर्टीज. तीसरा आई थिंक जो एक एसेट लाइट मॉडल है इनका, दैट इटसेल्फ काउंट्स इन अ वेरी सिग्निफिकेंट मैनर, और इनकी जो बड़ी लैंड बैंक है मुंबई में विक्रोली में, ये एक सपोर्टिव फैक्टर बनती है. तो यस, लीडरशिप पोजिशन जैसे है रियल इस्टेट सेक्टर में, तो जी चलिए सजेशन आपको मिला हो, सब स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं. एक और सवाल ले लेते हैं हमारे साथ फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए निखिल है गुड़गांव से. निखिल जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम, मेरे पास M&M फिनेंशियल के 2500 शेयर्स हैं 137 रुपीस के. मुझे जानना है कि ये कब तक होल्ड करना है, मेरा व्यू शॉर्ट टर्म के लिए था. व्यू शॉर्ट टर्म है, परचेसिंग प्राइस आपका 137 का है M&M फिनेंशियल. बताइए मयूर जी क्या करना है?
नहीं वापस एनबीएफसी स्पेस आई थिंक क्रिटिकली आई थिंक एक ऐसे जंक्चर पे है जहाँ पे एसेट क्वालिटी प्रेशर, जहाँ पे प्रोविजनिंग बिकॉज ऑफ कोविड जो मॉरेटोरियम रिलेटेड हिट्स है, आई थिंक ये सारे कैश फ्लोज पे प्रभाव लाएंगे और कहीं ना कहीं आई थिंक रिटर्न रेशियोज पे, आरओएस और आरओईस पे. तो क्लियरली आई थिंक अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेक उनकी बाइंग प्राइस 123 की उन्होंने बताई, राइट जी 137. यस, तो अगर और भी करता है तो आई थिंक एक बार रैलीज में आप मुनाफा वसूली कर सकते हैं, प्योरली बिकॉज आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है. ठीक है, तो होल्ड कीजिए, रैलीज पर एग्जिट करने की ही सलाह एमएनएम फाइनेंशियल ये सजेशन है. लेकिन चलिए एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक में जाने से पहले बात करेंगे सीएनबीसी आवाज की मुहिम की जो एनएससी के साथ मिलकर लाए हैं, और इस मुहिम का नाम है इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर, जिसका मकसद है इन्वेस्टर्स को उनके निवेश के प्रति जागरूक करना. आज हम आपको बताएंगे केवाईसी क्यों जरूरी है. केवाईसी आप भरोसेमंद प्लेटफॉर्म पर जाकर अपनी डिटेल्स को अपडेट कर सकते हैं, और केवाईसी में आपको अपना मोबाइल नंबर हो, ईमेल आईडी हो, ये डिटेल्स आपको देनी पड़ती है ताकि आपके ट्रेड रिलेटेड, आपके इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जो भी छोटी छोटी जानकारी है वो आपको मैसेजेस या फिर ईमेल के थ्रू मिलती रहे. पैन और आधार के जरिए भी आप सभी इन्वेस्टमेंट्स को जोड़ सकते हैं. एड्रेस अपना सही अपडेट कराइए ताकि जो डॉक्यूमेंट्स जारी होते हैं, जो हार्ड कॉपीज जारी होती है, वो आपको मिले, आपके पते पर पहुंचे. अपडेटेड अगर केवाईसी आपका रहेगा तो आप किसी धोखाधड़ी का शिकार नहीं होंगे. मयूर जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर, क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जी बिल्कुल, आपकी मुहिम बहुत अप्रोप्रिएट है और बहुत एजुकेटिव मुहिम है. तो कहीं ना कहीं आई थिंक केवाईसी अपडेट रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो आपके एड्रेसेस होते हैं, जो आपकी ईमेल एड्रेस है, अगर आपको डिजिटली आपको आपकी कॉन्ट्रैक्ट नोट चाहिए, साइन कॉपीज चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी. इसलिए अपडेट आपका केवाईसी रखना बहुत जरूरी है, एंड गेटिंग रजिस्टर्ड विद अ रजिस्टर्ड फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, दैट इज इक्वली क्रिटिकल एज वेल. लेकिन हैट्स ऑफ है सीएनबीसी आवाज को ये मुहिम चलाने की. चलिए एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो कुछ और सवालों करेंगे शामिल. आप देखिए कल का बाजार. आप देख रहे हैं कल का बाजार, मयूरेश जोशी हमारे साथ बने हुए आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए. हमारे साथ फोन लाइन पर सवाल पूछने के लिए ऋषि हमारे साथ मौजूद है, इनफैक्ट नागपुर से. ऋषि नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैडम, मैंने SBI का फ्यूचर्स सेल किया हुआ है 151 पे फ्यूचर सेल किया है, और आज तो ये 190 पहुंच चुका था स्टॉक. नुकसान तो आपको 161 का हाई बना के वापस आया, तो ये क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए या निकल जाना चाहिए? मयूरे जी, शॉर्ट कवरिंग काफी स्ट्रांग रही आज बैंक में, इसलिए इनकी जो पोजीशन है वो भी उल्टी पड़ गई क्योंकि इन्होंने शॉर्ट किया हुआ है. अब बताइए क्या करना है? नहीं थोड़ा मुझे डिफिकल्ट हो गया आंसर करना, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली ट्रैक नहीं करता, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक शॉर्ट कवरिंग थी आई थिंक बहुत सरप्राइजिंग थी आज के मार्केट्स के लिए, बट ग्लोबल मार्केट्स को देखते हुए और एक्सपायरी कहाँ होती है कल, आई थिंक ये बहुत लाजमी होगा. एनीवे आई थिंक उनकी पोजीशन उनको इधर काटनी पड़ेगी या रोल ओवर करनी पड़ेगी, तो आई थिंक वो एक कॉल उनको लेना पड़ेगा. आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग. ठीक है, चलिए इसके अलावा जो हमें ट्विटर के थ्रू मिल रहे हैं उनको ले लेते हैं. तुषार ने इनफैक्ट सवाल भेजा है, और बड़ा अच्छा सवाल है इनका मयूरेश जी. इन्होंने आईसीआईसीआई बैंक के 500 शेयर्स खरीदे और एंट्री लेवल बहुत अच्छा है, 230 के लेवल पर इन्होंने एंट्री ली, और आज इस वक्त ये देखिए 10% भाग गया, 300 के ऊपर खैर अभी ट्रेड कर रहा है, तो मुनाफा तो इनको जोरदार हो रहा है. प्रॉफिट्स ले लें या फिर होल्ड रखें? लुकिंग एट द कॉस्ट प्राइस मुझे लगता है बिल्कुल बने रहना चाहिए आईसीआईसीआई बैंक में. जो आई थिंक दिक्कतें बैंक्स को होंगी आगे अगले दो तिमाहियों में होगी, जैसे आई थिंक रिकवरी आना सिस्टम में स्टार्ट हो जाएगा बाय द एंड ऑफ द सेकंड क्वार्टर, और जैसे आई थिंक हिस्टोरिकली हमने देखा है कि बैंकिंग क्षेत्र ने आई थिंक जो एक सेकंड हाफ मूव होती है आई थिंक आफ्टर अ क्राइसिस पीरियड इतनी जबरदस्त होती है. एंड सेकंडली आई थिंक जो एक कोर डायनेमिक्स है बैंक के, आई थिंक एडवांसेस ग्रोथ अगर आप देखें, कैपिटल एडिक्वेसी जितना प्रोविजन कर चुके हैं, एसेट क्वालिटी को जितना रिकग्नाइज कर चुके हैं, यस मोरेटोरियम्स का पेन जरूर रहेगा अगले दो तिमाहियों तक, अगले तीन तिमाहियों तक, बट रिकवरी भी उतनी फास्ट आनी चाहिए, तो बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए. होल्ड करने की सलाह है आईसीआईसीआई बैंक, बने रही है इसमें. विकास सिंह ने एक सवाल भेजा है नैनीताल से, सीएड पर इनकी क्वेरी है, 50 शेयर्स हैं, 760 का प्राइस है. मयूरेश जी बताइए. सॉरी दीपाली जी, मुझे सुनाई नहीं दिया कौन सा स्टॉक. सीएड पर सवाल है, और इनका जो परचेसिंग प्राइस है सीएड में वो 760 का है. श्योर,
नहीं अगेन आई थिंक ऑटो एंसिलरी टिपिकल आई थिंक जो ऑटो सेक्टर को जो OEMs को मार पड़ी है आई थिंक टायर कंपनियों को झेलनी पड़ रही है बट इनकी जो रिप्लेसमेंट मार्केट सेल्स होती है बहुत जबरदस्त और बहुत तगड़ी होती है. दूसरा आई थिंक इन टर्म्स ऑफ इनपुट कॉस्ट इटसेल्फ अगर हम नेचुरल रबर की बात करें RSS4 या क्रूड और डेरिवेटिव्स की नायलॉन टायर कॉर्ड होता है या अदर डेरिवेटिव्स होते हैं उनके भाव अच्छे खासे नीचे आए हैं इसलिए आई थिंक कहीं ना कहीं एक ऑफसेटिंग इफेक्ट हो जाएगा. नंबर्स थोड़े हल्के रहेंगे जरूर बट आई थिंक रिप्लेसमेंट मार्केट और लोअर इनपुट कॉस्ट सहारा देंगे मार्जिन को ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस को. तो अगर एक मध्यम अवधि का नजरिया है तो बिल्कुल होल्ड करके रखना चाहिए. जो आपका लेवल जो आपने बाइंग की है आई थिंक वो एक बहुत क्रिटिकल लेवल है सीएट के लिए. इट्स अ मेक और ब्रेक लेवल. तो राय आपको दी गई है लेवल से आपको बताए गए हैं उसी की सब स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं. एक और सवाल ले लेते हैं और ये सवाल हमें ट्विटर पर भेजा है अमित रे ने. सवाल है इनका HUL पर 100 शेयर्स है 2250 की इनकी बाइंग है. जानना चाहते हैं क्या करना चाहिए, रखें इसको या फिर एग्जिट करके कहीं और एंट्री लें. HUL पर व्यू आपका. नहीं मध्यम अवधि के इन्वेस्टर है तो बिल्कुल बने रहना चाहिए. मेरे ख्याल से आई थिंक मार्केट लीडर है HUL. सप्लाई चेन और प्रोडक्शन फैसिलिटीज बोथ आर कमिंग ऑफ टू नॉर्मलाइजेशन लेवल्स और अगले हफ्तों में आई थिंक वापस आने चाहिए. जो इनके आई थिंक प्रोडक्ट है पर्सनल केयर में हो लॉन्ड्री में हो बेवरेजेस में हो क्रीम्स में हो आई थिंक ये सारे आई थिंक अच्छे खासे आई थिंक लीडरशिप पोजीशन में और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी अच्छा खासा इनका बढ़ चुका है. वैल्यूएशन हमेशा आई थिंक हायर साइड पे रहे बट आई थिंक जो अर्निंग्स ग्रोथ है और जो GSK के साथ विलय है आई थिंक दे गेट एडिशनल एमिनेशन इन टर्म्स ऑफ टॉपलाइन ग्रोथ इंक्रीजिंग और ये अर्निंग्स में शायद कैप्चर नहीं हुआ है जो ऑफसेट हो सकता है बिकॉज ऑफ द कोविड प्रेशर्स बट कहीं ना कहीं आई थिंक क्वालिटेटिव स्टॉक है होल्ड करके रखें. ओके चलिए राय आपको मिली है HUL पर उसी की सब स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं. सवाल सवाल करेंगे शो में शामिल. शुक्रिया मयूरेश आने के लिए शो में और सभी स्टॉक्स पर अपना व्यू देने के लिए.